प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और कश्मीर से उभरती हुई पत्रकार है, और उनका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी का बैकग्राउंड है, यानी उनकी जो फैमिली है वो आर्मी से बिलोंग करती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आप देखेंगे इन दोनों को भारत पे और भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे बात करते हुए। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आप इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। अगर मतलब अपने देश के बारे में तुम लोग ऐसा नहीं सोच सकते, आपके प्राइम मिनिस्टर ये नहीं सोचा कि कभी कश्मीर का दौरा करें और वहां पर जाके हम उनके हालात देखें, क्या बच्चियों के पास वहां स्कूल है, क्या वहां पर उनके पास कंप्यूटर सिस्टम है, क्या उनको पता है कि नेटवर्क क्या होता है, लाइट क्या होती है, कैसे ऑनलाइन चीजें की जाती हैं, क्या कभी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दी गई है? नहीं। उनको बोलो डांस कहाँ पर करना है, उनको बोलो दूसरे प्राइम मिनिस्टर को अब मैं आपको क्या बोलूं कि आपका जब प्राइम मिनिस्टर ही वहां पर खुद को सेफ फील नहीं करता तो वहां पर औरतें खुद को क्या ही सेफ फील करेंगी। शोएब, जब इमरान साहब, इमरान खान की एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे डर लगता है पाकिस्तानी आर्मी से, तो आप मुझे बोलो अगर वहां पर प्राइम मिनिस्टर जैसी जो शख्सियत है वो वहां पर सेफ फील नहीं करती तो लड़कियां क्या ही सेफ फील करेंगी। और ये जो मैं इस टाइम डिबेट कर रहा हूँ, मैं एक दफा खुद हैरान हूँ कि इस टाइम जो कश्मीर से, इंडिया साइड कश्मीर से हमारे साथ उर्फाना जी जुड़ी हुई हैं, उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है, उन लोगों के लिए आंखें खोलने की या अकल को खोलने की एक बात है कि ये वही उर्फाना जी हैं जो इंडिया साइड कश्मीर से हैं। ये वही इंडिया साइड कश्मीर है जिसके लिए पाकिस्तान में बताया जाता है कि वहां पे लड़कियों पे बहुत जुल्म होता है, वहां पे बहुत ज्यादा इंडिया की जो फौज है बहुत जुल्म करती है। ये वही उर्फाना जी हैं जो आज हमें ये बता रही हैं कि भाई एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जाए, हमें ये बता रही हैं कि लड़कियों को एम्पावर किया जाए, हमें ये बता रही हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान का सोचो। मैं ये समझता हूं कि 76 साल हमने अपने जाया किए, अब ना सिर्फ नफरतें अपने दिल में मैं तुम्हें रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। तुमने कहा कि आर्मी फीमेल्स पे अत्याचार करती है, आई एम myself, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हमें बताया जाता है। सुनिए सुनिए जी, मैं उन लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आई एम myself डॉटर ऑफ आर्मी ऑफिसर, मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ और मेरे पापा जो है वो आर्मी में है और वो इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन आर्मी आपको फैकेलिटीज क्या क्या देती है। आपका अब से लेकर के जब तक आप जिंदा हैं और जब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं तब तक के लिए आपका मेडिकल इलाज मुफ्त है, आपको बाजाफ्ता कार्ड दे दिया जाएगा और आपकी पूरी फैमिली का जो इलाज है उसे फ्री करा दिया जाएगा। आपको यहाँ पर फ्री की एजुकेशन है। इस टाइम मेरा एक भाई है वो यानी अब मैं मतलब आर्मी के थ्रू ही वो इस टाइम बाहर अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप खुद देख लीजिए कि आर्मी की कितनी फैकल्टीज हैं। अब घर में ही रह के हमें सरकार इतना कुछ दे रही है, और फिर अगर आप लोगों के देश में से कुछ ऐसे नमूने निकलेंगे और वो ऐसी नाजायज बातें करेंगे या ऐसी जो जिन बातों को सुनने का कोई मतलब ही नहीं ऐसी बातें करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम लोग शांत बैठेंगे। तो मैं उन लोगों को वॉर्न करती हूँ कि इंडियन आर्मी के लिए कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि इंडियन आर्मी क्या है और क्या नहीं है। वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं है कि तुम लोगों को घरों से नहीं निकलने देगी, तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर पे गोली चलाएगी, तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ाएगी, तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर को बंद रखेगी। ये हिंदुस्तान की आर्मी है, ये लोगों के साथ शाना बशाना चलती है और हमेशा से चलती आ रही। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। हमारी आर्मी को कभी बीच में मत लेके आना। दैट्स इट। ठीक है, देखिए जी उर्फाना जी, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या देख रही हैं ये, यही सवाल याना मीर जी कुछ टाइम पहले हमारे प्रोग्राम में आई, उनसे भी मैंने यही क्वेश्चन किया कि 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या देखती हैं इंडिया साइड कश्मीर में जो डेवलपमेंट होने जा रही है, या फ्यूचर क्या है 10 साल बाद, और पाकिस्तान साइड कश्मीर का क्या फ्यूचर है? जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट चल रही है आने वाले दिनों में यही लगता है कि तरक्की जो है वो दूर नहीं है, और जिस चीज का बच्चों को इंतजार था। हाँ, अभी मैं इतना भी नहीं कहूंगी कि नहीं सब कुछ मिल गया है, सब कुछ पूरा नहीं मिलता, कुछ चीजें जो है उसके लिए लोग हमेशा से डिमांड करते हैं और कहीं ना कहीं वो चीजें जो है मिलनी भी बाकी है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि जो सरकारें 70-75 सालों में नहीं कर पाई वो ऐसी सरकार ने कर दिया जो कि 8 साल हो गए कश्मीर में आई है, और कहीं ना कहीं उसका काम जो है वो भी अच्छा है।
डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूंगी तो हाँ, कश्मीर काफी आगे बढ़ रहा है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एम्स बन रहा है, और अगर एम्स के बारे में पता होगा तो मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज जो कि बनने जा रहा है, उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, और जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा शोहेब, मैं आपको लाइव वीडियो जो है वहीं से दूंगी एक जरूर, कि आप देखिए कि जो सबसे बड़ा एम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनने वाला है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ट्रेन का जो है वो भी काम जो स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी, और आने वाले इन फ्यू डेज जो है उसकी भी इनॉग्रेशन है, जिसके लिए जो है हमारे सरबरा भी वहां पर पहुंचेंगे, तो उस चीज का भी हमें इंतजार रहेगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लिस्ट में हैं, जिनको इनोग्रेट करना, जिनको बनाना, जिनके ऊपर सोच सकना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीजें जो है ना, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, जॉब्स, वो हमारे पास है। वो तुम आप लोग के पास जो नहीं है, हेल्थ मतलब एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ये सब जो आप लोग के पास नहीं है, लाइट, बिजली, नेटवर्क, थोड़ा बहुत दिमाग में नॉलेज, वो हम लोग के पास है और हम लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है, और हम उस पे ही काम कर रहे हैं। तो यस, इन फ्यूचर आने वाले दिनों में जो कश्मीर का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और मैं एक और चीज बता दूं, कि आपने कहा कि रिसेंटली बच्चे बुलाए थे रिपब्लिक भारत वाले दिन, मैं आपको बता दूं ये वो दिन होते हैं जम्मू कश्मीर इंडिया में जब पूरे देश को फक्र होता है और मनाए जाते हैं, लेकिन कश्मीर में जो है इसको ब्लैक डे कह दिया जाता था, या फिर उस दिन पाकिस्तान के झंडे वंडे लगते थे, तो वो कंसेप्ट खत्म हो गया है। और रिपब्लिक डे वाले दिन हमारे 100 से 150 बच्चे एक बार फिर से दिल्ली में जाके वहां पर प्रोग्राम करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो आप खुद देखो कि तरक्की कितनी हो रही है, और आने वाले दिनों में हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। सो यस, रही बात पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की, उनके लिए हम दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना कहूंगी कि जब तक आप लोगों को खुद नहीं पता कि आपकी सरकार क्या कर रही है, और आपकी सरकार को ये भी नहीं पता कि हमारे लोग हैं या नहीं है, क्योंकि मैं बोलूंगी देखो इस टाइम आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हीं लीडरान के बच्चे इस टाइम फॉरेन में बैठे होंगे और वहां पर पढ़ रहे होंगे, फॉरेन में उन लोगों ने कोठे बंगले ले रखे होंगे, और वो वहां पर अपनी इंजॉय ट्रिप जो है करने वहां पर जा रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है आटे चावलों के लिए, एजुकेशन के लिए, वो पाकिस्तान के आम जो है शहरी हैं, तो उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत ही आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसके दिमाग में अक्ल आ जाए तो पाकिस्तान को बेहतर बनाओ, क्योंकि हर जगह से मार खा चुका है पाकिस्तान, हर जगह से और हर फील्ड में। तो मैं नहीं चाहती कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इतना खत्म हो जाए, इतना खत्म हो जाए कि वो एक कंट्री में भी उसको ना गिन सके, क्योंकि हम तो ऑलरेडी टॉप 10 में है, चाहे हमारी एक इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे, इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग टॉप 10 में है, लेकिन पाकिस्तान जो कहीं भी नहीं है उसको पूरे तरीके से मत खत्म होने दो। सो आई होप कि मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझ चुके हैं कि यस क्या यस करने की जरूरत है और किस तरीके से आपकी सरकार को वहां पर काम करने की जरूरत है। मैं ओपनली कहता हूँ, ऑन दी कैमरा कहता हूँ, बहुत बुरा लगता है ये सब चीजें सुन के, लेकिन बहुत कड़वा लगता है, लेकिन शायद सच कड़वा होता है। जब तक हम कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं रखेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, शायद तब तक चेंज नहीं आएगा। मैं यहाँ पे बहुत से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हमारे मतलब सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पास से एक बात बनाते हैं, और ये मतलब मैं भी यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ इंडिया के अगेंस्ट, कश्मीर के अगेंस्ट, लेकिन उससे फायदा या नुकसान मेरा नहीं, बल्कि देखें जब झूठ बोला जाएगा तो उसे मेरा ही नुकसान होगा, और सामने वाले को कोई फायदा नुकसान उसे हमारी तरफ से नहीं होगा। मुझे चाहिए कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मैं अपने पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए सच को सामने लेके आऊं। वो चीजें जो 76 साल में हमें नहीं बताई गई, वो धोखा जो हमें 76 साल में दिया गया, आज वो पाकिस्तान की पब्लिक के सामने लेके, और वो तभी होगा जब हम सच को सुनने की हिम्मत रखेंगे और उसके ऊपर वर्क करने की हिम्मत रखेंगे। अगर किसी को अपना उरफाना जी की इन बातों से इख्तलाफ है तो वो हमारे चैनल पे आ सकता है, अपनी ओपिनियन रख सकता है, विद लॉजिक बात कर सकता है। मैं ये समझता हूं कि जब तक हम बात नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, बेहतरी नहीं आएगी, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे। ये थी आज की वीडियो, आपको उरफाना जी की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह शोएब चौधरी जी के सवाल और फाइका जावेद का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। जब भी हम देखते हैं कि कश्मीर से कोई गेस्ट आती है, स्पेशली अगर वो कोई लड़की पत्रकार है, तो आप देखते हैं वो करारे जवाब देती है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जब भी देखता है कि कश्मीर से कोई इंसान भारत, भारतीय प्रधानमंत्री या इंडियन आर्मी की तारीफ करता है तो पाकिस्तानी बेचारे जलन से ही मर जाते हैं। हमने देखा कि एक तरफ जहां पे भारत के जम्मू कश्मीर में
कितनी तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है, वहीं पे पाकिस्तान के लोग आज भी आटे की लाइन में है और गरीबी की रेखा के नीचे हैं। और वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है, चाहे वो रोड्स बनने की बात हो, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हो, और खासकर हम देख रहे हैं अब हॉस्पिटल्स भी, पहले जम्मू में एम्स बना और अब देख रहे हैं कि कश्मीर में भी एम्स बनने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कश्मीरियों का भरोसा और भी ज्यादा भारत की ओर और भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ आगे आके स्ट्रांग होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।